यार अभी ट्विन टावर से आ गए हैं और अब जा रहे हैं यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए। चलो भाई। ओ भाई ट्रक देखो यार, यूएसए टाइप बिल्कुल। दोपहर की मॉल है यहाँ पे, पेवेलियन मॉल है। यहाँ का मलेशिया का फेमस मॉल है, काफ़ी लोग मतलब जानते हैं और मतलब फेमस है काफ़ी। यहाँ का होर्डिंग वगैरह होती है यहाँ पे अंदर, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा अभी। अच्छा अभी फ़िलहाल, अच्छा अभी जा रहे हैं हम एक नाइट लाइफ करके एक जगह है ना, क्या नाम है भाई उसका जगह का? बुकिट बिंता करके एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं। ट्विन टावर से निकले थे तो अभी पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि 25 मिनट का दिखा रहा था मेट्रो में और वो 23 मिनट का वॉक था, तो सिटी भी देख लेंगे। तो नाइट लाइफ सुना है अच्छी है वहाँ की, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ की भी अच्छी, देखो ये पेविलियन मॉल है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे देखो क्राउड कितना अच्छा है। और पेविलियन मॉल के पास ही में ही जहाँ हम जा रहे हैं बुकिट बेतान, वहीं पे वो जगह है, दो तीन स्ट्रीट्स हैं। रुकेंगे ये लोग हमारे लिए? पूछ जाऊँ इंडिया से यहाँ मरने आया था यार, देखना है बंदा कितना समझदार था। ये भी यहाँ गाड़ी खड़ी थी, इंडिया में कोई होता हॉर्न देता, उसने बैक किया और आगे लेके गया है। पीछे गया उधर, मुझे मॉल के अंदर से भी एंट्रेंस है अगर आना हो तो। ये प्रॉपर मेंशन करा हुआ है बुकिट बिंतांग की एंट्रेंस अंदर से भी है मॉल के अंदर से। यहाँ अलग ही माहौल है भाई, कैसे न्यूयॉर्क सा बना रखा है ये देखो, ये देखने ही पता चल रहा है नाइट लाइफ है ये। यहाँ काफी अच्छा, यहाँ क्राउड काफी है, अगर क्राउडी जगह पे आना है, क्राउड वाली जगह पे आना है तो। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, क्योंकि वो जो भाई साथ में है वो खाएगा नॉनवेज, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ। तो मैकडी पे मैं कुछ लेके आऊँगा, ये सामने मैकडी है, और हम दोनों दोबारा वापस वहीं पे मिलेंगे, तो बैठ के साथ में खाएंगे। चलो। अच्छा यहाँ पे रोड क्रॉस करनी पड़ती है देख के, जब तक मार्क नहीं आएगा हम कूद नहीं सकते रोड, मैं कूद चुका हूँ दो तीन बार। देखो कैसे सब ईमानदारी से एक साथ रोड क्रॉस करते हैं, ऐसे नहीं कि रोड पर कूद पड़े, सब एक साथ निकले हैं जब तक लाइट नहीं हो गई। देखो कितनी भीड़ है, पर ये सब एक साथ निकले हैं वरना साइड में खड़े शांति से। यार मैकडी में तो कुछ मिला नहीं, सब कुछ नॉन वेज ही था, तो मैं इस पे आया हूँ, ये टर्किश रेस्टोरेंट है द मस्कस करके। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है फलाफल रोल का, वो सारा उसमें वेज होता है और मतलब चने से और प्याज वगैरह से बनता है। तो कोई इंडियन आ रहा है वेजिटेरियन तो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बाकी मैं खा के बताता हूँ कैसा है। बाकी वेज है वो, बस फलाफल में इन्होंने अलग से ऑप्शन रखा हुआ है वेजिटेरियंस के लिए। यहाँ पर है टर्किश रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर लाइन देखना कितनी लग रही है एंट्री करने के लिए। ये रोल है, बाकी खा के बताता हूँ कैसा है। देखो ये स्ट्रीट है, वो लोकल स्ट्रीट जो मैंने आपको बता रहा था ना कि। देखो ये उस मॉल दिख रहा है पीछे, ये है बिल्कुल लोकल मार्केट जैसा। तो यार यही थी अपनी जो आज का पूरा दिन था, मैंने मोस्टली आज पूरा सब कुछ देख ही लिया,
बाकी अब मैं इस मार्केट से निकल रहा हूँ क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादा लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, मुझे करनी नहीं है, खाना मैं खा चुका हूँ। तो मैं अब होटल की तरफ जा रहा हूँ दोबारा पैदल, और इस वीडियो को मैं अभी शायद यहीं पे ख़त्म कर दूंगा या फिर कल कंटिन्यू करूँगा, देखता हूँ। बाकी अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं अभी अपने जा रहा हूँ हॉस्टल, बाय बाय। तो यार मैं हूँ अभी मलेशिया में, और यहाँ पे अगर आपको रोड क्रॉस करनी हो तो वो सामने रेड कलर का साइन आ रहा है, आप अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। रोड क्रॉस करने के लिए आपको ये दबाना पड़ता है, ये। फिर जैसे ही थोड़ी देर में रास्ता मिलता है ये ग्रीन हो जाती है और आप रोड क्रॉस कर सकते हो। मुझे जैसे उसने जगह दे दी, गाड़ी वाले ने जगह दे दी, आप रोड क्रॉस कर सकते हो। ये देख लो भाई, ये है अब मेरा बंक बेड जिसमें मैं रह रहा हूँ दो दिन से, दो लास्ट डे है कल से, तो मैं इसमें रहूँगा नहीं। रूम बुक करवा लिया है मैंने अच्छा वाला, वो बस ज़बरदस्ती बुक करना पड़ गया था क्योंकि एयरपोर्ट पे अकोमोडेशन मांगते हैं और उन्होंने भी देखी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, कल तो चेंज हो ही रहा है, बढ़िया है। चलो गुड नाइट, बाय बाय।